आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग और अमलीपदर के संयुक्त तत्वाधान में आज देवभोग में पेट्रोल डीजल की जो लगातार दामों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया गया। आज लगातार 25 दिन एक महीना ज़्यादा हो गया लगातार पेट्रोल और डीजल की वृद्धि हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनहितैषी सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, आम किसानों की सरकार है, उसकी कथनी और करनी में यहाँ पे साफ फर्क नज़र आ रही है। एन किसानी के समय में पेट्रोल और डीजल की दामों को लगातार वृद्धि कर रहे हैं। आज किसानगण लगातार परेशान है, रोज़ वृद्धि होने से रोज़ परेशान है। यही लोग जब यूपीए की सरकार थी यही लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में चूड़ी ले तक पहुँचते थे, स्मृति ईरानी चूड़ी लेकर पहुँचती थी, आज वो कहाँ गए? आज जनहितैषी है तो कहाँ गए जनहितैषी? आज जनता मांग कर रही है कि बड़े बड़े बात करते थे लोग कि हम पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ा दिए हो, मजदूरों में फर्क पड़ रही है, आम नागरिक मर रहे हैं, क्या आज नहीं मर रहे हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा है? आज किसान परेशान नहीं है? ये सारे चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ऐसा आगे में और रूपरेखा तैयार होगी और इससे भी हम बृहद रूप से करेंगे। आज तो हम एक दिवसीय धरना, जो शासन की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर हमारे कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया है। कोरोना काल के चलते हम सबको परेशानी हुई है, सब पीड़ा हुई, आज देश विदेश भी पूरा त्रस्त हैं, इसलिए आज हम बहुत कम संख्या काफ़ी ऐसे पर्याप्त थी, परंतु इससे और भी ज़्यादा संख्या आने वाले दिन में आप सभी को देखने को मिलेगा और बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग और अमलीपदर संयुक्त तत्वाधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है हमारा वर्तमान में, आज खेती किसानी का समय है और डीजल पेट्रोल का मूल्य वृद्धि जो किया गया है, किसानों को आज डाका डाला जा रहा है, मजदूर वर्ग को डाका डाला जा रहा है। एक महीना में 10 रुपया 11 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है, इतिहास में पहली बार है जो डीजल और पेट्रोल की रेट जो है ना बराबर बराबर स्थिति में है। आज कच्चे तेल के मूल्य रेट कम है और अनर्गल रूप से जो है ना केंद्र सरकार अपना उत्पादन शुल्क बढ़ा करके जो आज जो कोविड वैश्विक महामारी जो भारत देश त्राही त्राही है, लोगों को रोजगार और मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे समय में 10 रुपये का डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी करना निर्दयी निंदनीय है। हम नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराते हैं यह मूल्य वृद्धि रेट कम लिए तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय आपको भुगतना पड़ेगा। यह आप लोगों के जेब में से डाका डाली की व्यवहार कर रहे हैं, ये आपका निकम्मी और निष्फलता की परिचय है। ऐसे समय में आप लोगों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, आपने सीधा सीधा लोगों के जेब में डाका डाली की तरह एक दिन में एक प्रकार की रेट बढ़ा करके आज महीना भर में 10 रुपये 11 रुपये का मूल्य वृद्धि किए हो, हम इसका आपको घोर निंदा करते हैं। आज पूरे भारत देश निंदा कर रहा है, आपको हंस रहे हैं थूक रहे हैं। वर्तमान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण ये मांग पेश की गई है तो उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। प्रमुख बिंदु वही है, दाम जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल का, साथ ही साथ कुछ स्थानीय समस्याएं हैं बिजली की, उसके लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।